नूरपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने मात्र घोषणाएं व शिलान्यास किए हैं, लेकिन हम शिलान्यास भी करेंगे, वो योजनाओं को पूरा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आते आते कार्य करते हैं, कांग्रेस जाते जाते कार्य करती है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 69 फोर लाइन बनाने की पालमपुर में घोषणा की थी, लेकिन पूर्व सरकार 1.5 साल में भी एक DPR तक तैयार नहीं कर सकी, जबकि हमने मार्च तक DPR तैयार करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार भाजपा सरकार से 2 महीने का हिसाब मांग रही है, लेकिन पिछले 50 वर्ष तक कांग्रेस सत्ता में रही उसका हिसाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष अलग अलग बात करते हैं। जयराम ने कहा कि मैं आदमी पुराना हूं, पर जिम्मेवारी नई है। इस जिम्मेवारी के साथ आप लोग मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली पर धर्म परिवर्तन जरूर देखेंगे। उन्होंने कहा कि पहली सरकारें ऊपर की नीचे की लाल हरी टोपी की लड़ाई लड़ती थी, लेकिन अब झगड़ा खत्म हो गया है, क्योंकि अब मध्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री बन गया है जो किसी भी रंग की टोपी पहन लेता है। ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार बदले की भावना से कार्य नहीं करेगी, लेकिन गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में रिटायर्ड व्यक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि नौजवान नौकरी की राह देख रहे हैं। मात्र सरकार की मजबूरी है कि उन्हें रिटायर्ड व्यक्ति पटवार सर्कल में रखने पड़ रहे हैं, ताकि लोगों का कार्य प्रभावित ना हो। इससे पहले स्थानीय विधायक माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष बिजली, पानी, पुलिस चौकी में निरीक्षण केंद्र व सिविल अस्पताल को अपग्रेड करने की मांग रखी।